पेलू जी ये क्या पहन रखा है आपने, अच्छा लगता है इसे? एक तो आप वैक्स नहीं कराते, ऊपर से नंगी टांगे और नंगी बाजू लेके पूरे घर में घूमते रहते हो। सासू माँ देखेगी ना तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगी, और कोई बाहर से आ गया तो घर का नाम और खराब करा दोगे आप। कपड़े भी क्या मैं दूसरों की मर्जी से पहनूंगा? शादी के बाद कपड़े, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। आप गुप्ता परिवार के चिराग हो, किसी गरीब परिवार के नहीं, इसलिए कपड़े पहनो जाके। ऐसी घटिया बातें कौन सिखाता है तुम्हें? अरे सासू माँ और कौन। क्या यार इतनी तो गर्मी पड़ रही है, और घर पे तो पहन ही सकता हूँ। हाँ यार ये तो है, ऐसा करती हूँ मैं भी चेंज कर लेती हूँ। सासू माँ कुछ बोलेगी तो उनको तुम देख लेना। हाँ हाँ मैं देख लूंगा। तुमने फिर से छोटे कपड़े पहन लिए। सासू माँ आपके बेटे को ही कॉपी किया, उन्हें देखो ऊपर से नीचे तक। चुप हो जाओ यार, गर्मी तो सच में है मम्मी। बेटा हमें भी तो गर्मी लगती है। तुम भी पहन लिया करो, घर में कलेश ना करो। पापा और मैंने भी तो पहन रखे हैं, गुड्डू से क्या दिक्कत है? घर के कुछ नियम होते हैं तो अब रूल चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि गर्मी तो आपके लिए भी है। गुड्डू मम्मी के लिए भी शॉर्ट्स लाओ। चलो सासू माँ ट्रेनिंग करके पहन।